आदाब। जे एंड के में इलेक्शंस का दौर शुरू हो चुका है। हर तरफ पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे लहरा रहे हैं। अब फिर कुछ पुराने और नए चेहरे आपसे आपका कीमती वोट मांगने आएंगे। वो आपसे हजारों वादे करेंगे और आपसे वोट की भीख मांगेंगे। कुछ लोग आपको पार्टी के नाम पे वर गलाएंगे तो कुछ धर्म और जात पात के नाम पर आपसे आपका वोट मांगेंगे। कुछ लोग आपके मजहब को बचाने का वादा करेंगे तो कुछ आपको आपके मजहब का खतरा दिखाएंगे। कुछ आपको नौकरी की खुशबू महसूस करवाएंगे तो कुछ आपके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है ये कहकर उकसाएंगे। लेकिन खबरदार, ना हमारा मजहब खतरे में है और ना ही किसी का धर्म खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो वो इन लोगों की कुर्सी खतरे में है। और हाँ, अगर सच में कुछ बचाने की ज़रूरत है तो वो है इंसानियत और हमारा आपसी भाईचारा, जो कि हमारे मुल्क की पहचान है। कुछ लोग हमारे इस आपसी भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आओ हम ये कसम खाएं कि जो लोग हमारे भाईचारे को तोड़ने की फिराक में हैं, हम उनको तोड़ें अपनी ताकत के जरिए, जो कि हमारा वोट है। इस बार अगर आपसे आपका कोई वोट मांगने आए तो ध्यान रखिएगा कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट बिल्कुल मत दीजिएगा, बल्कि ऐसे कैंडिडेट को वोट दीजिएगा जो कि काबिल हो, ईमानदार हो और सबसे ज़रूरी, मजहब को बचाने वाला ना हो बल्कि इंसानियत को और हमारे भाईचारे को बचाने वाला हो। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का ना हो, याद रखिए आपके वोट की उतनी ही ताकत है जितनी कि इस देश के प्रधानमंत्री के वोट की ताकत है। अपना वोट जरूर डालिए, अच्छे लोगों को आगे लाइए, क्योंकि अच्छे लोग अगर आगे आएंगे तभी हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हम लोग भी तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।